रेडियो मानव रचना 107.8 FM देख रहे हैं आप, मैं हूं साक्षी आपके साथ और प्रोग्राम है प्लेज फॉर गुड हेल्थ और साथ ही इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने का श्रेय जाता है यूनिसेफ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और साथ ही साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM द्वारा ये आप तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही आज मैं आ गई हूँ यहाँ पर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल यानी कि एतमादपुर फरीदाबाद हरियाणा के एक स्कूल में आई हूँ जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आज मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ आज इनसे जानते हैं कि कोविड महामारी, क्योंकि इस ये एक ऐसी महामारी थी जिससे सभी ग्रस्त हुए थे, तो आज इन बच्चों से जानते हैं कि इस कोविड महामारी के दौरान उनके क्या विचार थे, क्योंकि सारे बच्चे भी घर पे थे और काफ़ी सारे दिक्कतों को उन्होंने भी सामना किया है। तो आइए जानते हैं इन बच्चों से उनके क्या विचार हैं। तो यहाँ मेरे साथ कुछ बच्चे हैं, तो साथ ही कौन सी क्लास के हैं और क्या नाम है इनका जानते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? माय नेम इज खुशी। खुशी, तो खुशी जैसे कि बात करें अगर COVID-19 होम केयर की, जब आप घर पर थे, कोविड का जो दौर था वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था, सभी ग्रस्त थे, आपने उस टाइम कैसे उस चीज़ को डील किया? पेरेंट्स भी थे घर पर, आप भी घर पर थे, तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल था उस दौर में खुद को ठीक संभालना, बैलेंस करना लाइफ को, तो आपने कैसे किया? घर बैठे फोन ही से किया और पापा मम्मी ने जो बताते थे बाहर नहीं जाना ज़्यादा और कहते मम्मी पापा जाते थे बाहर ही वही तो पुलिस वाले बोलते थे बाहर नहीं जाना, निकलना नहीं है ज़्यादा और जो सामान उन्होंने अपने माँ बाप को भेजना है। और जी कोविड अगर मैं बात करूँ अगर COVID-19 एंड होम केयर की, तो यहाँ पर हाइजीन का बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण था पहलू रहा है हमेशा से ही कि हाइजीन मेंटेन करनी कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी। तो आइए जानते हैं, कुछ और स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि कैसे किस प्रकार उन्होंने हाइजीन मेंटेन करी। आपसे जानना चाहूँ क्या नाम है आपका? मैम पायल। पायल, पायल कौन सी क्लास में? मैम एट क्लास में है। तो मैं बात अभी कर रही थी हाइजीन मेंटेन करनी थी, उस टाइम कैसे किस प्रकार आपने हाइजीन का सोचा कि मेंटेन करनी है, सैनिटाइजेशन के बारे में क्या क्या आपने एहतियात थे जो बरते थे? मैम बस हाथों को रेगुलरली धोना और सैनिटाइज करना हाथों को, मतलब मैम वॉश करते रहना हाथों को, मास्क वगैरह। उस टाइम ऐसा था कि जब बाहर से सब्जियां आती थी तो हमारी मम्मी क्या करती थी, सब्जियों को धोती थी और उसके बाद ही वो सब्जियां यूज़ होती थी, पूरे अच्छे से उसे धूप में रखा जाता था, तो पूरा एक प्रोसेस था। क्या आपने उस प्रोसेस को देखा, फॉलो किया? यस मैम, हमारी मम्मी करती थी फॉलो। यस, तो कोई एक ऐसा अलग कोई किस्सा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैम बाहर से सब्जियां आती थी, पापा लेके आते थे, मम्मी धोती थी उनको अच्छे से और बस उनको अच्छे से ड्राई करती थी। जी, और इसी के साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आज हमारे साथ यहाँ पर, तो थोड़ा हम पीछे के साइड ज़्यादा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं इस बारे में। और यहाँ पर मेरे साथ, हाँ जी क्या नाम है आपका? निखिल। माय नेम इज निखिल। निखिल, निखिल तो कौन सी क्लास में आप? एट्थ। एट्थ क्लास में है और यहाँ पर मैं आज बात कर रही हूँ कोविड एंड होम केयर की। तो तब जब कोविड था तब बहुत ज़्यादा लोग डर गए थे हाइजीन मेंटेन, तो अब कैसे आप मेंटेन करें, क्या ऐसा अब भी वो सारी चीज़ें एहतियात जो है बरत रहे हैं, मार्केट जाते हैं वहाँ पर आप हाइजीन का, सैनिटाइजेशन का आप फॉलो करते हैं अब भी, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हैं? क्या नाम है आप? माई सेल्फ लक्ष्मी शर्मा। लक्ष्मी कौन सी क्लास में आप? एट्थ। तो एट्थ क्लास में आप हैं, एज अ स्टूडेंट आपको क्या लगता है किन किन दिक्कतों का सामना आपने किया था ड्यूरिंग कोविड? मैम बहुत दिक्कतें आई थी मैम, बाहर कहीं जाना, मतलब कि घर में इतना वो हो गया था कि बैठे ही रहना, कुछ भी करना नहीं, पढ़ाई वढ़ाई होती थी पर मैम इतना नहीं समझ में आता था जितना हम स्कूल में आके समझ में आता है। तो मैम पढ़ाई की भी बहुत दिक्कत हुई थी, कहीं बाहर जाना, कुछ लेके आना, फिर उसको धोना होना, मतलब इन सब में भी बहुत दिक्कत हुई थी मैम। जी, तो अभी यहाँ पर हम फेस्टिव सीज़न की बात करें, क्योंकि अभी दिवाली का ये जितना भी शोरगुल था ये सब ख़त्म हुआ है, दिवाली ख़त्म हुई है, लेकिन उसके बाद दिवाली के बाद फेस्टिवल आपके कैसे रहे इस बार जो हमने मनाए बहुत जोर शोर से, हमने सारे जो दिवाली है वो मनाई है, तो आपका क्या कहना है किस प्रकार आपकी दिवाली रही इस बार? अच्छी रही पर मैम थोड़ा पॉल्यूशन हमने बहुत कम फैलाया क्योंकि मैम ये ठीक नहीं है, तो बहुत पहले से मैम अच्छी नहीं गई, इतनी अच्छी नहीं गई क्योंकि पहले मैम इतना पॉल्यूशन नहीं था, अब तो गाड़ी वगैरह का भी बहुत पॉल्यूशन होता है और हम पटाखे फोड़ेंगे तो हमारा और पॉल्यूशन होगा तो फिर हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। तो पिछले 2 साल से हम कोविड के वजह से हम नहीं मना रहे थे दिवाली, तो लेकिन इस वजह से होता है कि ये जो तीसरा साल था इसमें हमने जोर शोर से मनाई, लेकिन फिर भी क्या आपके घर में भी ये चीज़ें फॉलो हुई हैं कि जो मिठाइयों का सिस्टम था पहले हम एक दूसरे के घर जाते थे, क्या कोविड की वजह से आपको लगा कि ये चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं या फिर बढ़ गई हैं?
मैम कम हो गई हैं, क्योंकि मैम घर जाते थे तो हाथ वगैरह मिलाते थे, गले मिलते थे कि हैप्पी दिवाली विशेष करते थे, पर अब मैम इतना वो नहीं रहा कि दूर से बाहर मास्क वगैरह लगा के जाओ, सैनिटाइज करो, घर में घुसो, फिर दूर से ही मिठाई दे के फिर राम राम करके मैम चले जाते थे। और पहले मैम थोड़ा अच्छा लगता था, गले वले मिल के आते थे, बैठते थे, अब तो मैम कुछ भी रहा ही नहीं। बिल्कुल, यहाँ मेरे साथ और स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और साथ ही जानना चाहेंगे, आप बताइए क्या नाम है आपका? शिवम ठाकुर। शिवम, कोविड के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना किया? मैं बात कर रही हूँ अब फाइनेंशियली, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, लाइवलीहुड इशूज की बात करेंगे ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक की, कोविड-19 पेंडेमिक की बात करें, तो किस प्रकार की दिक्कतें आपने देखा कि जब सब बंद हो गया था तो खाने पीने का जरिया भी बंद हो गया था, आपके जो पेरेंट्स होंगे वो नहीं जा पा रहे थे काम पे, तो उस दौरान घर में क्या हालत थी? मैम बहुत थोड़ी थोड़ी मैम खाने का दिक्कत हो रहा था, मैम खाने में कुछ, और मैम जी पापा ड्यूटी नहीं जा पा रहे थे, और मैम पैसों की दिक्कत थी, पैसों की दिक्कत थी। तो जानना चाहेंगे यहाँ पर जी, आपका नाम? अभिषेक। अभिषेक, जानना चाहूँगी जैसे कि अभी यहाँ पर कहा है एक छात्र ने यहीं के, तो पैसों की बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके पास जब आपको लगा कि कोविड की वजह से जो छोटे बिजनेस थे वो तो बंद हुए, आप पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपने भी इस चीज़ को देखा होगा कि जब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा तंगी हुई है, तो तब क्या हालत थी और अब क्या सुधर रहे हैं वो हालत? यस मैम, अब पहले से काफ़ी सुधार, पहले काम पे जाते नहीं थे पापा तो दिक्कत होता था पैसे के लिए जी, अब थोड़ा बहुत काम चल रहा है तो। तो आप कहाँ से हैं? आप संतोष नगर से। आप फरीदाबाद से ही हैं? yes, तो ऐसा आपने, हमने काफ़ी बार न्यूज़ में देखा था, बहुत सारी वीडियोस ऐसी वायरल हो रही थी जहां हमने देखा था लोग अपने घर वापस जा रहे थे शहर छोड़ के, जिस वजह से भी कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा जो हमें देखने को मिला था कि इसका बेहाल हो रखे हैं लोग, कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि आपका रिलेटिव हो या फिर कोई आपके जान पहचान वाला जो अपने घर वापस चले गए? नो मैम, ऐसे जो हमारे पास थे वो गाँव जा ही नहीं पाए जी, क्योंकि ट्रेन बंद थे, बस बस, इसके वजह से गांव बहुत लोग नहीं जा पाए, और कितने लोग पैदल हो गए या साइकिल हो गए, तो इससे जा रहे थे लंबा सफ़र करके। बिल्कुल, तो जैसे कि अभी बताया यहाँ पर, मैं जानना चाहूँगी आपसे, आपका नाम? विष्णु। विष्णु, यहाँ पर अभी बताया गया है कि ट्रैवलिंग सारी बंद हो गई थी, तो ऐसे में आप बाहर नहीं जा सकते हैं, आपके पेरेंट्स ड्यूटी नहीं जा सकते हैं, लोग अपने गाँव नहीं जा रहे थे, तो आपने किन दिक्कतों का, आपके पेरेंट्स ने किन दिक्कतों का सामना किया है कोविड पेंडेमिक के दौरान? पहले तो स्कूल बंद हो रहा था जी, पढ़ाई नहीं हो रही थी जी, और ड्यूटी भी अच्छे से नहीं चल रहा था, लॉकडाउन लग रहा था बार बार, फिर रास्ते भी बार बार पुलिस की, इसलिए जाने में दिक्कत हो रही थी। तो आप कहाँ से हैं? धीरज नगर से। धीरज, तो आप ये बताइए कि आपने कुछ ऐसा मंजर देखा कि आपके रिलेटिव ने कोई ऐसा सुना, आपने कोई रिश्तेदार ऐसा जो अपने गांव चले गए हों, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो? हाँ, एक हमारी कॉलोनी में रहते थे वो गए हैं पैदल। पैदल गए हैं, तो क्या आपने तब सोचा था कि कैसे जा सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा मंजर था, ये एक ऐसे हालत थे जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मेंटली इससे डिस्टर्ब हो गए थे, ना सिर्फ बच्चा बल्कि बड़े तक, सब कोई इस चीज़ से डिस्टर्ब थे, तो आपका क्या इसमें विचार है? वो तो हो नहीं था कि पैसे की कमी थी जी, खाते क्या, इसलिए सब गांव जा रहे पैदल ही, और इतना दूर जा कैसे पाए भी, बड़ी बात है जी। बिल्कुल, और साथ ही और भी सारे बहुत सारे बच्चों के साथ हम बात करेंगे, एक और छात्र मेरे साथ जुड़ गई हैं, क्या नाम है आपका? रचना। रचना, जानना चाहूँगी कोविड के दौरान स्वच्छता पे ज़्यादा ध्यान रखना हमें चाहिए, तो अभी दिख रही है बहुत ज़्यादा लापरवाही सभी लोगों में, बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मास्क लगे हुए हैं, तो क्या आप यहाँ बोलना चाहेंगी मास्क पहनने के लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लापरवाही है, कोविड का ख़तरा कम है लेकिन टला नहीं है, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं कहना चाहती हूँ मास्क ज़रूरी है क्योंकि भीड़ भाड़ है जी। तो उस दौरान जब बात करें अगर कोविड टाइम्स की, कोविड एंड होम केयर की बात हो रही है यहाँ पर, घर में किस तरह की साफ़ सफाई पर आपने ध्यान दिया होगा, क्योंकि पेरेंट्स भी थे तब घर में आपके, सब बंद था, तो उस टाइम हाइजीन पे किस तरह से ध्यान था आपका? जो चीज़ बाहर से आई उनको अच्छे से साफ करना, हाथ धोना बार बार, कोई चीज़ जैसे जैसे बाहर से आई है उनको
वॉशरूम में साफ करना चाहते हैं। गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस हमारे पास आई थी, जब सबको हम सब घरों में थे तब बोला गया था कि मास्क पहनना है आपको, बाहर जाना है तो 2 गज की दूरी होनी चाहिए। कुछ आपको पॉइंटर्स याद है उस टाइम के तो बताना चाहेंगी? 2 गज की दूरी बोली गई थी और मास्क पहनने को बोला गया था, बाहर नहीं जाना है आपको, इकट्ठे नहीं होना है कहीं पर, ये सारी चीज़ें बोली गई थी। हाँ, जी। तो और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जाना चाहेंगे। जी, आपका क्या नाम है? मैम नेहा नाम है मैम। नेहा हमारे साथ है, बहुत ही प्यारी स्टूडेंट है, और साथ ही साथ जानना चाहेंगे नेहा, जब फेस्टिवल का टाइम आया, दिवाली का टाइम आया, किस तरह किस प्रकार आपने अपनी दिवाली मनाई? मैम दिवाली तो थोड़ा अच्छे से मनाए थे, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आ गई, पोल्यूशन खूब फैल रहे थे मैम। हमें मिठाई से ही दिवाली ज़्यादातर मनाना चाहिए, पोल्यूशन नहीं ज़्यादा फैलाना चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए। जी, तो एक ये बात रही कि फेस्टिवल एक नई नॉर्मल सिचुएशन थी, जब कोविड की बात करें कि कोविड जा रहा था और दिवाली का जो पूरा जश्न था वो हम मना रहे थे, हर तरफ धूम थी दिवाली की, चाहे मार्केट ले लीजिए, चाहे हम घरों में ले लीजिए, सभी तरफ बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये दिवाली रही थी। तो आपने किस प्रकार, क्या कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे इस बार? यस मैम, सैनिटाइजर करना चाहिए, बार बार हाथ धोना चाहिए, और हमें साफ सुथरे रहना चाहिए, कपड़े भी साफ सुथरा पहनना चाहिए। और दिवाली तो मैम पटाखे वगैरह नहीं फोड़े थे मैम, मिठाई से ही मनाए थे ज़्यादातर मैम। जी बिल्कुल, और ये कुछ बच्चों के विचार थे जो आज हमने जाने हैं। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है ये फरीदाबाद में, और साथ ही आज बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े जिनके विचार हमने जाने हैं, और साथ ही साथ कुछ और भी बातें हैं जो हम करना चाहेंगे यहाँ पर जो टीचर्स हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ पर वो लोग जो कि सभी का हाइजीन यहाँ पर मेंटेन करते हैं, यहाँ बच्चे जो आते हैं जो क्लीनिनेस में यहाँ पर काम करते हैं, उनसे भी जानेंगे। और अब उनसे बात करते हैं जो कि इस स्कूल के हाइजीन को का ध्यान रखते हैं, और साथ ही साथ ना सिर्फ स्कूल में अपने घर पर भी। तो यहाँ पर क्या नाम है आपका? मधु नाम है मैम। तो यहाँ पर मधु मेरे साथ है, जानते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जितना भी हाइजीन सैनिटाइजेशन का काम है ये देखती हैं, तो जानते हैं कि किस प्रकार कोविड के दौरान आपने हाइजीन मेंटेन करी। घर का अगर बात करें तो कोविड एंड होम केयर की अगर बात करें, घर पर रह के किस प्रकार आपने हाइजीन और सैनिटाइजेशन का? मैम घर पे भी सर सफाई की ध्यान रखे, सैनिटाइज बच्चों को करा के, भोजन कराना, मास्क लगाना, कहीं जाना सैनिटाइज लेके जाना, मास्क लगा के बात करना, किसी से भी दूरी बना के रखना, किसी के आसपास ना जाना, कोई चीज़ों को हाथ ना लगाना, और सफाई की ज़्यादा ध्यान रखेंगे कोरोना हमसे दूर रहेगा। बिल्कुल, ये तो बात रही कोरोना की, साथ ही साथ ये जानना चाहूँगी कि एक हम आपकी ही यहाँ पर अध्यापिका ने बताया था कि किस प्रकार मिड डे मील आपने घर घर जाके सर्व किया है, उन लोगों के साथ क्या आप भी शामिल थी? हाँ मैम। तो ना सिर्फ टीचर्स बल्कि ये जो यहाँ पर वर्कर्स हैं हमारे साथ, ये भी काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं। उस टाइम जब सभी अपने घरों में बंद थे तो मधु जैसे ये जो लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ, जो वर्कर्स हैं जो सोसाइटी के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो घर घर जाके सर्व करते थे, खाना देते थे, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ मैम, सारा दिन मैडमों के साथ हम जाते थे, सैनिटाइज लेके जाते थे, अपना मास्क लगा के जाते थे, हैंड वॉश कराते थे मैम सबसे पहले किसी को, जो हैंड वॉश करके आप हमारे साथ सामान लीजिए, और हम दूर से ही मैम सामान देते थे, टच नहीं होते थे लोगों के घर जाके। जी बिल्कुल। तो ये जो कोविड महामारी है इससे सब ग्रस्त थे, बहुत तकलीफदायक ये रहा है टाइम, पीड़ाजनक टाइम रहा है ये, क्या सीख ली है आपने इससे? मैम इससे हमने ये सीखा जो लोगों से दूरी बना के हमें रहना है। जी हाँ, अब मास्क लगा के रहना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। हम बच्चों को भी खाना देते हैं तो यही बोलते हैं बेटा पहले हैंड वॉश करो। बिल्कुल। और हैंड वॉश करके हम थाली भी पहले धो के और टाट पट्टी पे बिठा के इनको भोजन कराते थे, कराने के बाद इनकी थाली रखवाते थे मैम, और इनको बोलते थे हाथ धो बेटा अपने अपने क्लास में चलो। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर जो हेल्थ वर्कर्स, मैं कहूँगी इन्हें कि यहाँ पर जो हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, और साथ ही साथ ना सिर्फ स्कूलों में भी बल्कि उस टाइम पर जहाँ पर अनसीन हीरोज़ की तरह इन्होंने काम किया है, अपने घर से निकल के अपने परिवार को से वहाँ से बाहर निकल के और दूसरे जो परिवार थे वहाँ पर खाना इन्होंने सर्व किया है, दिया है, और अध्यापिकाओं के साथ मिलकर। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू। और अब मेरे साथ है यहाँ पर एक अध्यापिका, नेहा भारद्वाज नाम है। मैम सबसे पहले जानना चाहूँगी क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप यहाँ पर? मैं साइंस पढ़ाती हूँ। साइंस पढ़ाते हैं। तो मैम जानना चाहूँगी कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा जो लोग थे
ग्रस्त हुए थे, सभी लोग घरों पे थे, टीचरों पे, टीचर्स जो थी उन पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुरु कहा जाता है और गुरु के साथ साथ घर पर आपको पूरा एक रोल अदा करना था, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग का जो सिलसिला था शुरू हो गया था, तो ऐसे में आप भी बहुत डिस्टर्ब रहे होंगे, घरों में बंद थे, किस प्रकार आपने उस सिचुएशन को डील किया? पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हम लोग घर में बंद ही नहीं थे, हमें तो हेल्थ वर्कर्स के साथ में फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह ही हमें काम दिया था, जिसमें हम सर्वे हमने किया था कंडक्ट, मतलब घर घर जाके उनके कोविड के क्या क्या लक्षण हैं, किस घर में ऐसा पेशेंट है, क्योंकि बहुत से लोग डर भी रहे थे, बहुत से लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था, और बहुत से लोग डर रहे थे जिन्हें पता भी था कि हम ना हों उसमें, तो हमने सिर्फ एज टीचर्स काम नहीं किया, हमने उसमें हेल्थ वर्कर्स की तरह भी काम किया था मल्टीटास्किंग में। अच्छा, दूसरा मैं बताऊँगी ऑनलाइन लर्निंग का, अगर जैसे आप उनसे पूछ रहे थे, हमने हर बच्चे का व्हाट्सएप ऑनलाइन ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप में क्लास वाइज हमने सेल्फ मेड वीडियोज़ बनाई थी, टीचर्स ने खुद इतनी मेहनत की थी क्योंकि हमें ऑफलाइन लर्निंग की आदत थी और हम बच्चों को उसी तरीके से टीच करते थे, बट हमने भी बहुत सारे अलग अलग टूल्स सीखे, जूम मीटिंग्स कंडक्ट करना, गूगल मीट पे और भी जितने प्लेटफॉर्म्स थे, गूगल क्लासरूम वगैरह, वो सब हमने खुद सीखे पहले, और उसके बाद ट्रेनिंग लेके हमने बच्चों को वो कंडक्ट करवाया, उनको वो सब सिखाया, और वही वाली बात है, देखिए 1 से 10 सीखते हैं तो बच्चे भी अपने आप बहुत इंटरेस्ट दिखाने लगे। थोड़े चैलेंजेस ये भी थे क्योंकि ये सभी बच्चे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बहुत पुअर हैं जी, तो एक एक फैमिली में अगर 3 बच्चे हैं, 3 मोबाइल्स अवेलेबल नहीं हो सकते, बिल्कुल, तो ऑनलाइन क्लासेस जब हो रही थी, जूम पे अगर क्लास हो रही थी, तो एक बच्चा कई बार सफ़र भी कर जाता था क्योंकि उसकी क्लास उस टाइम नहीं हो सकती है जब वो दूसरा बच्चा कर रहा है। तो कुछ पेरेंट्स की ये भी शिकायतें आती थी कि हम फ़ोन नहीं देंगे क्योंकि बच्चा जो है वो मतलब फ़ोन का मिसयूज़ कर रहा है, वीडियोज़ दूसरी दूसरी देखने लग जाता है, तो हम और हम इतनी सुपरविजन नहीं दे सकते। कुछ पेरेंट्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया मैं कहूँगी, तो रूरल बैकग्राउंड्स के हैं ये सब बच्चे और इनको खुद कितना टूल्स आते हैं तो इस मामले में। अच्छा, तीसरा मैं आपको कहूँगी कि हमने मिड डे मील जो था उस पर भी क्या किया कि बच्चों को घर घर जाके वो डिस्ट्रीब्यूट करना वॉज अ बिग चैलेंज, बट स्टिल वी डिड इट, और मतलब क्योंकि इस टाइम कुक फूड तो आ नहीं सकता बच्चों के लिए, और वो ड्राई राशन आ रहा था, वो ड्राई राशन हमने हर घर में बच्चों के जाके और वो डिस्ट्रीब्यूट किया। सो हम वी वर नॉट वर्किंग एज टीचर्स, एक्चुअली नॉट जस्ट टीचर्स, वी वर वर्किंग मल्टीटास्किंग, वी वर मतलब व्हाट डू आई टेल यू, कि हम बहुत काम कुछ कर रहे थे, एंड इट वॉज अ फेज जो मैं ये कहूँगी कि चैलेंज तो था डेफिनेटली, बट वी ओवरकम्ड इट एंड वी मेड इट एन अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल, ये मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ टीचर्स नहीं, अध्यापिका नहीं, ये कुछ हीरोज़ हैं हमारी सोसाइटी के, जिन्होंने कुछ ऐसे काम करे हैं जो शायद किसी को दिखे ना हो, लेकिन इनका जो काम है इसको ज़रूर सराहा जाएगा और हम सराहते हैं इनके काम को कि इन्होंने जो काम किए हैं। मैम, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने जितने आपकी टीम ने पूरा पूरी जो रिप्रेजेंटेशन हमारी टीचर्स की उन सब ने मिलकर ही काम किया। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम आज अपने जो विचार हैं आपको साझा करने के लिए। और इसी के साथ जैसे आपने देखा कि आज हमने कितने सारे स्टूडेंट से बात करी, साथ ही टीचर्स से भी हमने बात करी कि कोविड महामारी के दौरान कितनी सारी दिक्कतों का उन्होंने सामना किया है, क्या चैलेंजेस रहे और कैसे उन लोगों ने ओवरकम किया है। हर किसी की लाइफ में दिक्कतें तो आई थी, लेकिन सभी ने उन चैलेंजेस को बेजोड़ उसको वहाँ से बाहर निकले हैं, उसे ओवरकम किया है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच, ये जो प्रोग्राम है प्लेज फॉर गुड हेल्थ, ये श्रेय जाता है यूनिसेफ और साथ ही साथ कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन, और ये रेडियो मानव रचना 107.8 द्वारा आप तक पहुँचाया गया, और थैंक यू। दी सुनाई बातों पे न देना ध्यान, स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो यही उत्तम ज्ञान।